जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। के फर्नीचर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो हमने पहले से एक इंजिस लगा लिया है और हमने ये साइड का भी एक इंजिस लगा लिया है और हमारे बीच का 2 इंजिस लगाना बाकी है तो उसको हम लगाएंगे। ये इंजिस है देखिए दोस्तों, सेम इंजिस हमने इसमें लगाया हुआ है। तो इधर हमने साइड में 5 इंच छोड़ के इसको इंजिस को फिटिंग किया है और इसको जो होगा तो तीन तीन गाले में डिवाइडर करके हम ये 2 इंजिस फिट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 3 भाग में डिवाइडर कर देंगे। तो दोस्तों क्या करना है, जो कटर मशीन का गेज है, ये जो मोटाई है इसका, इसके लेवल ही इसको सेट कर लेना है। मतलब इससे बाहर ना निकले, इसके लेवल ही ब्लेड को बाहर निकाल लेना है। अब उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, कटर मशीन से ये मार्किंग के इस तरफ हम इसको कट कर देंगे। हमने एक को कट कर दिया है, अब सेम तरीके से दूसरे को भी हम कट कर देते हैं। अब इसको दोस्तों फरसी की मदद से, हथौड़ी की मदद से इस तरह से साफ कर लेंगे। तो अब देखेंगे हमारा जो जगह है खड्डा इंजिस का, वो पूरी तरह से साफ हो गया। अब सेम तरीके से दूसरे को भी साफ कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर इंजिस को डाल के देखेंगे, कब्जे को डाल के देखेंगे। तो ये हमारा जो कब्जा है दोस्तों, ये ऊपर से लेबल है, लेबल बोले तो थोड़ा थोड़ा ये धार से थोड़ा हल्का सा नीचे की तरफ है। तो अगर नीचे की तरफ रखेंगे तो उससे होगा ये, जब हमारी लेमिनेट लगाएंगे और इसको फिनिशिंग मारेंगे तो लड़ेगा नहीं। अगर आपको पैकिंग दे के मतलब बाहर अंदर लेना भी रहेगा तो आपको आसानी होगा। अगर ये पहले से ही बाहर रहेगा तो फिर इसको पैकिंग देके अंदर बाहर नहीं कर सकते, अगर अंदर रहेगा तो पैकिंग देके बाहर अंदर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा अंदर रखिए और बांधते वक्त क्या करना है, ये जो धार दिख रहा है इससे हल्का सा बाहर वाला जो फेस है उससे हल्का सा इसको, ये पॉइंट को अंदर रखिए। लेबल लेबल रहेगा तो चलेगा, बाहर ना निकला रहे, क्योंकि जब यहाँ पे लेमिनेट लगाएंगे तो ये थोड़ा उभरा हुआ दिखेगा। तो इस हिसाब से इसको हम फिट कर देते हैं। दोस्तों जब भी इसको टाइट करते हैं तो मतलब या तो खिल्ले का, या तो मतलब इसके होल टाइट होने सर का एक बिट ले लीजिए या तो खरीद लीजिए और इसमें होल मार के ही फिटिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा किनारे होल स्क्रू फिटिंग होता है तो ये फट जाता है। तो अगर आप होल मार के इसको फिटिंग करते हैं तो ये फटेगा नहीं। तो हम दोस्तों इसमें क्या करते हैं, इस बिट से जो हमने बिट बनाया हुआ खिले का, मैं दिखाता हूँ आपको नजदीक से। तो यहाँ पे देखेंगे हमने खिले का बिट बनाया हुआ है, अब इसी से हम इसमें होल लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमने इस इंजिस को फिटिंग कर लिया है और इधर से अब देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हल्का सा हमारा ये जो इंजिस है अंदर है, और इधर से भी देखेंगे तो लेबल है, हल्का सा अंदर ही है। तो इसी तरह दोस्तों इंजिस को लगा लेना। अब हम इसको जहाँ पे हमको लगाना है उसको वहाँ पे लगा लेते हैं। तो दोस्तों हमारा ये जो दरवाजा है लग चुका है
और मैं आपको यहाँ पे साइड पे दिखा देता हूँ गैप कितना आया है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो साइड का हमारा गैप है परफेक्ट 4 mm के आसपास गैप है, 4-5 mm के आसपास, और हमारा गैप दोस्तों ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कंटिन्यू है। तो दोस्तों हमने इस दरवाजे को फ्रेम के ऊपर लगाया है, आप इसी तरह से इंजिस लगा के वार्डरूप के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपको वार्डरूप में डबल डबल दरवाजा लगाना है तो सेम तरीके से खड्डा करके 6 mm का इंजिस लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 12 mm का इंजिस अगर कहीं लगाना है तो 12 mm का इंजिस भी अवेलेबल रहता है। ये जो इंजिस है ये पवन इंजिस धार कवर करने के लिए है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये इंजिस लगाना आप सीख गए होंगे। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलता हूँ दोस्तों नए नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।